दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी ज़माने में हिंदी फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री रही सायरा बानो के बारे में। आज की युवा पीढ़ी भले ही सायरा बानो के नाम से ज़्यादा परिचित नहीं हो, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोगों के लिए सायरा बानो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। मैं 17 साल की उम्र में ही हिंदी फिल्मों में अपने सफ़र की शुरुआत करने वाली सायरा बानो उस समय की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक है। दोस्तों, हम सब ये तो जान चुके हैं कि सायरा बानो कौन है। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि सायरा बानो का जन्म कब और कहाँ हुआ था, सायरा बानो की फिल्में, सायरा बानो के करियर और सायरा बानो के बच्चों सहित अन्य चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सायरा बानो के जीवन का परिचय। दोस्तों, सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ था। सायरा बानो के पिता का नाम मियाँ अहमद था। सायरा बानो की माता का नाम नसीम बानो था। उस समय नसीम बानो हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी। नसीम बानो को आज भी हिंदी फिल्मों की पहली महिला सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सायरा बानो के पिता मियाँ अहमद पाकिस्तान में जाकर बस गए, जबकि नसीम बानो अपनी बेटी सायरा बानो को लेकर लंदन चली गई। सायरा बानो का बचपन लंदन में ही बीता। उन्होंने वहीं पर अपनी शिक्षा हासिल की। सायरा बानो अपनी माँ की तरह एक मशहूर अभिनेत्री बनना चाहती थी। अपनी छुट्टियों के दौरान सायरा बानो जब भी भारत आती तो दिलीप कुमार की फिल्मों की शूटिंग देखने घंटों स्टूडियो में बैठी रहती थी। दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। लंदन से भारत लौटने के बाद सायरा बानो ने महज 17 साल की उम्र में ही बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। साल 1961 में सायरा बानो ने शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली में काम किया। सायरा बानो की पहली फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। लोगों ने इस फिल्म को बहुत प्यार दिया। इसके बाद सायरा बानो ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया। 1960 से 70 के दशक में सायरा बानो हिंदी फिल्मों के सबसे महंगी अभिनेत्री में से एक थी। सायरा बानो अपने करियर के शीर्ष पर थी तब वह बॉलीवुड के अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिदा हो गई थी। लेकिन समस्या यह थी कि राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। जब इस बात की जानकारी सायरा बानो की मां नसीम बानो को लगी तो वह बहुत गुस्सा हो गई। अपनी बेटी को समझाने के लिए नसीम बानो ने अपने पड़ोसी दिलीप कुमार की मदद ली। इसके बाद दिलीप कुमार ने सायरा बानो को समझाया कि वह राजेंद्र कुमार से शादी ना करे, ऐसा करने से उन्हें जिंदगी भर सौतन बनकर रहना पड़ेगा और मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। तब सायरा बानो ने पलटकर दिलीप कुमार से सवाल किया कि क्या वे उससे शादी करेंगे। इस सवाल का दिलीप कुमार उस समय कोई भी जवाब नहीं दे पाए। सायरा बानो की माँ नसीम बानो भी चाहती थी कि दिलीप कुमार उनकी बेटी सायरा बानो से शादी कर ले। दूसरी तरफ दिलीप कुमार भी धीरे धीरे सायरा बानो की खूबसूरती से प्रभावित होकर उनसे प्यार करने लगे थे। आखिरकार एक दिन दिलीप कुमार ने सायरा बानो को शादी के लिए प्रपोज ही कर दिया। 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार और सायरा बानो ने शादी कर ली। उस समय दिलीप कुमार की उम्र 44 साल थी, जबकि सायरा बानो की उम्र 22 साल की थी। उस समय ज़्यादातर लोगों को लगता था कि उम्र के इस फासले के कारण सायरा बानो और दिलीप कुमार का रिश्ता ज़्यादा नहीं चल पाएगा और दोनों जल्द ही एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन सायरा बानो और दिलीप कुमार ने कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया और अपने रिश्ते को बनाए रखा। इस बीच सायरा बानो गर्भवती भी हो गई। उस समय सायरा बानो फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 की शूटिंग कर रही थी। लगातार शूटिंग के कारण उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। इसके साथ ही डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि सायरा बानो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। साल 1976 में सायरा बानो ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अपने आप को एक गृहिणी के रूप में ढाल दिया। इस बीच 1980 के दशक में सायरा बानो और दिलीप कुमार के रिश्ते में दरार आ गई। उस समय दिलीप कुमार को पाकिस्तानी महिला आसमा से प्यार हो गया था। आसमा भी उस समय शादीशुदा थी और उनके 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद साल 1979 में दिलीप कुमार ने आसमा के साथ गुपचुप तरीके से शादी रचा ली। कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने बच्चे की चाहत में आसमा से निकाह किया था। 2 साल बाद दिलीप कुमार ने आसमा को तलाक दे दिया और वापस सायरा बानो के पास आ गए। इसके बाद कभी भी सायरा बानो और दिलीप कुमार ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब दिलीप कुमार बीमार रहने लगे तो सायरा बानो ने दिन रात उनकी सेवा की। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का एक लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। दिलीप कुमार के जीवन के आखिरी सांस तक सायरा बानो उनकी सेवा करती रही। सायरा बानो की प्रमुख फिल्में जंगली, शादी, दूर की आवाज़, आओ प्यार करे, प्यार मोहब्बत,
ये जिंदगी कितनी हसीन है, दीवाना, अमन, झुक गया आसमां, पड़ोसन, पूरब और पश्चिम, गोपी, विक्टोरिया नंबर 203, पॉकेट मार, सगीना, इंटरनेशनल क्लॉक, पैसे की गुड़िया, जमीर, चैताली, आखिरी दाव, बैराग, हेराफेरी, काला आदमी, फैसला आदि फिल्मों में काम किया। अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदायगी के कारण सायरा बानो दर्शकों के दिलों पर हमेशा राज करती रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।